नमस्कार भैया बहनों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम। आज की वीडियो कक्षा में हम सब कक्षा तृतीय के षष्ठ पाठ का वाचन करेंगे और कुछ शब्दार्थों पर ध्यान आकर्षण करेंगे। आइए भैया बहनों, पहले हम सब भैया बहन वाचन करते हैं षष्ठ पाठ। भैया पाठ का नाम है समय बोध दिनचर्या चय, यानी कि समय बोध दिनचर्या जिसकी ठीक होती है उसका जीवन भी व्यवस्थित होता है। तो इस पाठ में दिनचर्या के बारे में बताया गया है। तो पहले हम वाचन करते हैं, आइए। पहला पद है कह सम दशोन अष्टवादनम, एस अल्पारस्य समय। दूसरा कह समय नववादनम, एस विद्यालस्य समय। दूसरा कह समय सपाद नववादनम, एस प्रार्थनाया समय। चौथा देखिए कह समय दशाधिक दस वादनम, एस पठन से समय। अगला पांचवा कह समय सार्ध द्वादश वादनम, एस भोजन से समय। कह समय पादोन पंचवादनम, एस क्रीड़ाया समय। ये देखो भैया बहन, असत्य और सत्य यानी शुद्धम और अशुद्धम। शुद्ध ये तो जो अब है नहीं, ये शुद्ध सारे एक वादनम द्विवादनम त्रिवादनम चतुर्वादनम, ये सब वाक्य शुद्ध हैं। यह शुद्ध है भैया बहनों, एकम वादनम द्वे वादनम त्रीणी वादनम चतुरी वादनम, ये अशुद्ध है। तो भैया बहनों एक बार हम शब्दार्थ पर प्रकाश डालते हैं। आइए भैया बहनों, कुछ शब्दार्थ हैं ये रहे आपके सामने। पहला शब्दार्थ है सपाद। सपाद का अर्थ है भैया बहनों सवा। सार्ध इसका अर्थ होता है आधा सहित यानी साढ़े। आगे पादोन पौना, दशोन दस मिनट, दशोन दस मिनट कम, दशाधिक दस मिनट अधिक, भवान आप पुलिंग के लिए, कदा मिस कब, रोटी का रोटी, खादती खाता है, लिखतु लिखो, पश्यति देखता है और भवती आप। संधि विच्छेद देख लो भैया बहनों, सार्ध मतलब स धन अर्ध, दशाधिक दस धन अधिक, चतुर्वादनम चतु विसर्ग धन वादनम एक वादनम। ये तो पढ़ी लिया अपने, एक वादनम द्विवादनम त्रिवादनम चतुर्वादनम, ये शुद्ध वाक्य है। तो भैया बहनों इतना लिख करके और याद करना। आज का काम इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।